नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा 2019 में। आप सबने ये बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि कैरियर, प्यार और सामान्य को अलग अलग बनाइए, तो मैंने उसी तरह से आपकी बात को फॉलो करते हुए सामान्य आधार पर आपका कैसा रहेगा ये 2019 का, वो आपको मैंने सेपरेट वीडियो दिया था 2 दिन पहले, आप वो देख लीजिएगा। आज मैं कैरियर के बारे में बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ इसके बाद जो मैं बात करूंगा आपसे, आपके प्यार और मोहब्बत के बारे में बात करूंगा, यानी लव लाइफ की आपके बात करूंगा। तो ये पूरा वीडियो आपके कैरियर के लिए है। साल का जो शुरुआत रहेगा उसमें शनि जो रहेंगे धनु राशि में रहेंगे, गुरु वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहु 6 मार्च को मिथुन राशि में आ जाएंगे। वहीं केतु धनु राशि में, गुरु का परिवर्तन 30 मार्च को धनु राशि में, फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर और 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। वहीं 10 अप्रैल से वक्री होकर 11 अगस्त को मार्गी होंगे और शनि 30 अप्रैल को बकरी होकर 18 सितंबर को जो है वो मार्गी होते हुए दिखाई देंगे। तो कैसा रहेगा आप सभी का ये कैरियर, आज हम इस बार का चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, अगर मैं आपके कैरियर के बारे में कहूँ तो ये सामान्य रूप से जो है अच्छा ही है। उसमें आप देखेंगे कि अगर आप व्यवसाय करते हैं या आप नौकरी करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको तरक्की मिलेगी। प्रमोशन के अंदर, मतलब कार्य के अंदर आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल में आपकी वेतन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन जो भी काम होंगे वो बहुत ही धीरे धीरे होंगे और उसमें थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है। इसके कारण कई बार ऐसा बीच में आपको महसूस होगा, हताशा के पल आपके मन में आएंगे, लेकिन आपको मैं कहूँगा कोई निराश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगस्त जो महीना रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और मार्च तक की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मार्च से लेकर अगस्त के बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कंपटीशन की भावना बढ़ती हुई दिखाई देगी और 50-50 मैं कहूँगा कि भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और नए अवसर आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस साल में, तो आपको अच्छे ऑफर्स जो हैं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अवसर जो है वो लेकर आता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी में जुटे हुए हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डटकर मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल भी फोकस आपको खोने वाला नहीं रहने वाला है। अगर आपने वो फोकस खो दिया तो कहीं ना कहीं जो आपका बना बनाया काम है वो आपका बिगड़ सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने फोकस को बनाए रखें। साल का जो अंत होगा उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को ज़रूर जो है वो मिलेंगे। आप अगर निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम से सीनियर्स को प्रभावित करना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि कहीं दूर आपको जाकर जॉब करनी पड़ जाए। ऑफिस में सीनियर्स की तो आप मदद करेंगे, उससे आप कहीं ना कहीं जो आपके साथ काम करते हैं उनकी आंखों में आप खटकेंगे, तो वो जो षड्यंत्र वाली स्थिति है वो भी आपको इस साल देखने को मिल सकती है। ऑफिस के अंदर राजनीति भरपूर होगी और इस राजनीति से आपको बचकर रहने की ज़रूरत रहेगी। जितना आप बच के चलेंगे उतना आपको अच्छा है, किसी तरह के फालतू के विवाद में आप ना पड़े। कोशिश की जाएगी कि आपको नकारात्मक छवि आपकी बनाई जाए, लेकिन आगे चलकर साल के जो मध्य रहेगा उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जुलाई के बाद से स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी इस समय कर रहे हैं उनके लिए सामान्य रहने वाला है साल, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पर दिशाएं अनुकूल होंगी जिससे आपको प्रगति मिलेगी, लेकिन मार्च के बाद थोड़ी सी स्थितियाँ उतार चढ़ाव आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। मैं कहूँगा अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप ना करें इस नौकरी में, और जो नौकरी कर रहे हैं इसी में लगे रहें जब तक कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लुक्रेटिव ऑफर नहीं मिल रहे हैं या आप कहीं रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं तो बेहतर रहेगा। हालांकि 2020 जो रहेगा आपके लिए वो कैरियर के लिए काफ़ी बढ़िया आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा और मार्च तक जो स्थिति रहेगी, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी रहेगी और मार्च के बाद उन्हें थोड़ी सी परेशानियाँ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही देंगी, क्योंकि मुनाफा जो है वो उतना नहीं होगा जितना आप चाह रहे हैं। हालांकि उसके बाद अगस्त के बाद से स्थितियाँ काफ़ी बढ़िया आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपके सामान्य रूप से देखूं तो
मिक्स बैक वाली ये फीलिंग आपको देखा जाता हुआ साल दिखाई देगा नौकरी और कैरियर के मामले में। तो ये था आपका एक कैरियर का छोटा सा अवलोकन, कैसा लगा आपको ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद मैं आपके लव रोमांस के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा आपको कि लव रोमांस आपका कैसा रहने वाला है, और उसी के अंदर मैं आपको आर्थिक रूप का भी बता दूंगा कि आर्थिक रूप से आपका कैसा रहेगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।